तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मुकामी पुलिस स्टेशन का तावुल लेते हुए आशा वर्कर्स को अपने साथ लेकर उस मरहूम के अफराद खानदान के उन तमाम का टेस्ट करवाइए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हलका पार्लिमान हैदराबाद के एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने शहर में कोविड-19 केसेस के बढ़ते तनाजुर में आज जीएचएमसी कॉरपोरेटर्स का एक हंगामी इजलास तलब किया और इब्तदाई सुदूर व मुतमदीन के साथ साथ इनके ख़ानदान के अफराद और दीगर पार्टी के 500 वार्ड मेंबर्स के कोरोना टेस्ट करवा लेने पर दबाव डाला। साथ ही कोरोना मश्क अमराज में मुबतला उम्र रसीदा अफराद और हामिला ख़वातीन के लिए कोरोना टेस्ट के मुस्बित इंतजाम करने पर भी जोर दिया और क्वारंटाइन मुकम्मल करने वाले सेहतियाब अफराद से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील भी की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम मौजूद अराकीन बल्दिया, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आज आप तमाम की एक मीटिंग हो रही है और हम जूम के ज़रिए अपनी इस मीटिंग को कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम को मेरी आवाज़ पहुंच रही है। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? तो आज की ये मीटिंग बुलाने का बुनियादी मकसद ये है कि आप तमाम अराकीन बल्दिया इस बात से बखूबी से वाकिफ़ हैं कि शहर हैदराबाद में, रियासत तेलंगाना में और पूरे मुल्क में, वतन अज़ीज़ में कोविड वायरस बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और लाखों की तादाद में हमारे मुल्क में लोग इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। 15-16 हज़ार से ज़ायद लोगों की इसमें अमवात हो चुकी है और पूरी दुनिया में भारत जो है तीसरे नंबर पर आ चुका है। हमारी रियासत तेलंगाना में जो हुकूमत की तरफ से जो आदाद व शुमार दिए गए हैं, जो कल के हैं, 12 कल के जो फिगर्स दिए गए हैं आदाद व शुमार, जिसमें ये बताया गया है कि अब तक 33,402 तेलंगाना में आवाम को वो पॉजिटिव हुए हैं, जिसमें से 12,135 अभी एक्टिव केसेस हैं, यानी अभी उनको है, और अल्हम्दुलिल्लाह 20,919 लोग अब तक अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं और करीब 350 लोगों की इस वायरस के ज़रिए तेलंगाना में मौत भी हुई है। मेरी आप तमाम अराकीन बल्दिया से जो अहम बात आपको बताना था, बताने से पहले मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पिछले 1-1.5 महीने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने मौजूद अराकीन को भी खोया है इस वायरस के ज़रिए, बल्कि आप तमाम ने भी अपने अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को भी इस वायरस उनकी जान लेने का बाइस बना, जिसमें हमारे आगापुरा के कॉरपोरेटर के वालिद साहब जो खदीम मजलिसी हैं उनका इंतकाल हो गया, हमारे साबिका रुकने बल्दिया जनाब जाकिर साहब की वालदा का इंतकाल हुआ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मौजूद और क़दीम रुकन जनाब रईस बेग साहब का इंतकाल हुआ, सब्ज़ी मंडी के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बल्कि बड़े क़दीम मजलिसी जनाब मोहसिन साहब का इंतकाल हुआ, मिरालम मंडी के जनाब फखरू भाई का इंतकाल हुआ, अमान नगर में दोनों नईम का इंतकाल हुआ,
ऐसे कई हमने अपने बड़े बड़े लोगों को, अपने चाहने वालों को खोया है। मलकपेट में हमारे इम्तियाज़ के बड़े भाई जनाब रियाज साहब को, वो भी उनका इंतकाल हुआ। तो ऐसे कई मजलिस के चाहने वालों को, हमारे पुराने कदीम मजलिसी अराकीन को हमने खोया है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जिनका मैंने नाम लिया है या जिनका नाम मैंने नहीं भी लिया है, या फिर जिनका ताल्लुक मजलिस से था या ना हो, अल्लाह इन तमाम मरहूमीन की मगफरत फरमाए। अल्लाह सुबहाना व तआला उनके औलाद को, उनके अफराद ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह सुबहाना व तआला उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में हर मुश्किल वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मदद की, खिदमत की, अल्लाह उसको कबूल करे। अल्लाह उनकी ख़बरों को कुशादा फरमाए, अल्लाह उनकी ख़बरों को नूर से भर दे, और अल्लाह सुबहाना व तआला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। और साथ ही साथ हमारे दारुस्सलाम के एक टाइपिस्ट जनाब अरफात टाइपिस्ट का भी इंतकाल हो गया इसी वायरस की वजह से, तो अल्लाह इन तमाम की मग़फ़रत फरमाए। आप तमाम को बात ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर ये वायरस तेज़ी से बढ़ रहा है, मेरी आप तमाम अराकीन बल्दिया से ये गुजारिश है कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर टेस्टिंग के नंबर जो हो रहे थे उसमें इजाफा किया गया। और आप लोग जानते हैं कि शहर हैदराबाद में टेस्टिंग जहाँ हो रही है वो एक है चारमीनार यूनानी हॉस्पिटल में, जिसको हम RT-PCR टेस्ट कहते हैं, जिसकी रिपोर्ट 24 घंटे के बाद आपको दी जाती है। चारमीनार यूनानी एक जगह है, किंग कोटी अस्पताल एक है, सरोजनी आई हॉस्पिटल है, और आपके फीवर हॉस्पिटल है, और पूरे GHMC में ऐसे 12-14 मुकामात हैं जहां पर RT-PCR की टेस्टिंग हो रही है, जिसकी रिपोर्ट 24 घंटे के बाद आती है। अब पिछले 3-4 दिन से हुकूमत की तरफ से जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वहाँ पर एंटीजन टेस्ट हो रहा है। एंटीजन टेस्ट यानी आधे घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट आ जाती है। मैं आप तमाम को एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ, आप तमाम मौजूद अराकीन बल्दिया को, और वो जिम्मेदारी यह है कि मैं एक एक रुकन बल्दिया से कह रहा हूँ कि आप अपने वार्ड में जितने हमारे इब्तदाइया हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, उन इब्तदाइयों के सदर मोतमद अराकीन को साथ लीजिए, और अपना भी अपने अफराद ख़ानदान का ले जाकर या तो RT-PCR टेस्ट कराइए या एंटीजन टेस्ट कराइए। पहला यह काम आपका होना चाहिए कि आपके वार्ड में जितने हमारे सदर मोतमदीन हैं, अराकीन हैं, रुकने बल्दिया खुद अपने अफराद ख़ानदान को ले जाकर या तो RT-PCR टेस्ट कराइए या फिर एंटीजन टेस्ट कराइए। और ये पहला काम करने के बाद मेरी आप तमाम को ये हिदायत है कि आने वाले इस महीने के ख़त्म तक मैं आप हर रुकने बल्दिया की जिम्मेदारी होगी कि अपने वार्ड में वो कम से कम 500 अपने वार्ड के रहने वालों की का टेस्ट कराएंगे। उनका नाम लिखेंगे आप, उनके घर का एड्रेस लिखेंगे, उनका टेलीफोन नंबर लिखकर आप अहमद पाशा कादरी साहब के पास उसको रवाना करेंगे। जुलाई के ख़त्म होने तक हर रुकने बल्दिया की जिम्मेदारी होगी कि अपने वार्ड के 500 लोगों की आप टेस्ट करवाएंगे, चाहे वो RT-PCR टेस्ट हो या एंटीजन टेस्ट हो। उन तमाम के आप नाम लिखाएंगे, उनका टेलीफोन नंबर लिखकर जनाब अहमद पाशा कादरी साहब रुकने बल्दिया के पास रवाना करेंगे। और ये आसान काम है, आप
को ये काम करना है, इसीलिए मैं पहले कह रहा हूँ कि आप पहले अपना टेस्ट करवा लीजिए, और अगर खुदा ना खास्ता, लाखों बार खुदा ना खास्ता आपको टेस्ट में पॉजिटिव आता है, तो वहाँ के मजलिस के जो सदर मुतमदीन है हर वार्ड के, उनको जिम्मेदारी उन पर भी आज होती है कि अगर मुतालिका रुकने बल्दिया को पॉजिटिव आता है तो वो खुद जाकर करीब से करीब जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हो या फिर चार मीनार यूनानी अगर आपको करीब पड़ता है वहाँ जाइए, या सरोजनी आई हॉस्पिटल करीब पड़ता है वहाँ जाइए, या चेस्ट या फीवर हॉस्पिटल करीब पड़ता है वहाँ पर जाइए, मगर आप तमाम को ये काम करना है। हर रुकने बल्दिया की जिम्मेदारी है कि अपने वार्ड के कम से कम 500 लोगों का आप टेस्ट करवाएंगे ये आने वाले 10 दिन के अंदर, और जितने 500 लोगों के नाम उनका पता लिखकर आप जनाब अहमद पाशा खादरी साहब को देंगे। दूसरी बात यह है कि जब आप अगर RT-PCR टेस्ट करा रहे, यानी जिसकी रिपोर्ट 24 घंटे के बाद आती, जैसा कि मैंने खुद कल जाकर चार मीनार यूनानी हॉस्पिटल में अपना टेस्ट करवाया, और उसके बाद तालाब कट्टे को मैं जाकर एंटीजन टेस्ट करवाया, यानी एंटीजन आधे घंटे में रिपोर्ट आती है, तो मैं अपने साथ मुतालिका रुकने बल्दिया नसरीन का भी, मोहतरमा नसरीन का टेस्ट करवाया, और हमारे मजलिस के रुकन जनाब उमर साहब जो वाटर वर्क्स के ये सब काम देखते हैं याकूतपुरा में, वो भी वहाँ मौजूद थे, उनका भी टेस्ट करवाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा और मुकामी रुकने बल्दिया मोहतरमा का और उमर साहब का टेस्ट नेगेटिव आया। अगर एंटीजन टेस्ट में आपको पॉजिटिव आता है तो ये समझ लीजिए कि आपको पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव आता है तो ये डॉक्टर्स का ख्याल ये है कि अगर आपको सिम्टम्स अगर है, सिम्टम्स से मुराद आपको खांसी बुखार, जिस्म में दर्द हो रहा है, आपके मुंह का मजा खत्म हो रहा है, और सूंघने की आपकी खुशबू की जो सकत है वो कम हो जाती है, तो फौरन RT-PCR टेस्ट कराइए और अपने आप को घर में कम से कम 12 से 13 दिन घर में अलग रखिए, अपने आप को अपने अफराद खानदान से दूर रखिए। ये दो चीज़ें हैं जिस जो आपको सख्ती से इस पर अमल करना है और लोगों का टेस्ट भी करवाना है। तीसरी बात ये है कि अगर आपको अपने वार्ड में ये बात मालूम होती है कि किसी का इंतकाल हो गया है और वायरस से उनका इंतकाल हुआ है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मुकामी पुलिस स्टेशन का तआवुन लेते हुए आशा वर्कर्स को अपने साथ लेकर उस मरहूम के अफराद खानदान के उन तमाम का टेस्ट करवाइए। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी नहायत ही वाजबी दाम पर दस्तियाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तियाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बेसाइड रियान होटल हैदराबाद, डायरेक्टर सैयद राशिद अली, फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।